नमस्कार, मी सचिन. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूयाच्या काही ठळक घडामोडी. अहमदनगरच्या शेतकरी गोळीबारा प्रकरणी शेतकऱ्यांचा वर्षा निवासस्थानावर मोर्चा. आपल्यावरील गुन्हे मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी. बंजारा आणि बहुजन विकासासाठी नेते मोहसिंगभाई राठोड यांचा समाजाचे लोकप्रतिनिधींना सत्तेत आणण्याचा संकल्प. 27 नोव्हेंबरच्या मेळाव्यात होणार संकल्प स्पष्ट. कुर्ला नेहरूनगर पोलीस वसाहतीत पाण्याची वानवा. पाण्यासाठी पोलीस कुटुंबियांची तारेवरची कसरत. कोपर्डीप्रमाणेच खैरलांजी आणि बलात्कार हत्याकांडाची अन्य प्रकरणेही फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावी. राष्ट्रीय बहुजन महासंघाची मागणी. आणि यवतमाळमध्ये कापूस पिकाच्या नुकसान भरपाईसह बियाणे विक्रेते कंपनीवर कारवाईसाठी युवासेनेनं पुकारले आमरण उपोषण. जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर तिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सन्मान स्वीकारून फुटबॉलमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर आपलं कर्तव्य सिद्ध केले. मात्र अजूनही ती हालाकीतच जगते. परंतु आता तिच्या मदतीला अनेक हात पुढे सरसावलेत आणि ते तिची स्वप्न करण्यासाठी पुरेसे असतील. पाहूयात मुंबईतील किंग सर्कल येथील झोपडपट्टीत राहणारी फुटबॉलपट्टू मेरू नायडू हिची कथा. मुंबईच्या किंग सर्कल येथील झोपडपट्टीत राहणारी 16 वर्षांची फुटबॉलपट्टू हृदय मेरी प्रकाश नायडू सध्या चर्चेत आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तिचा सत्कार करण्यात आलाय. फुटपाथवरील एका छोट्याशा झोपडीत राहून मेरू नायडूने शिक्षणाबरोबरच फुटबॉलमधून महाराष्ट्रात अव्वल येण्याचा मान मिळवलाय. इतकी प्रसिद्धी भेटूनही मेरी आज हालाकीचे दिवस जगते. राहायला चांगलं घर नाही, फुटबॉलच्या प्रॅक्टिससाठी मैदान नाही, अशा विविध समस्यांचा सामना तिला करावा लागतोय. आणि जेव्हा ही बाब काँग्रेसचे स्थानिक नेते कचरू यादव यांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांनी मेरीला सरळ हस्ते मदत केली. सन्मान के बाद में उनकी जो परिस्थितियां हैं आज आपके नज़र के सामने हैं. आज उनको रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उजाले के लिए लाइट नहीं है, पढ़ने के लिए कोई सुख सुविधा कोई साधन नहीं है. ऐसे साधन नहीं होते हुए भी इस बच्ची ने फुटपाथ पर जी कर एक अच्छे मकाम में उन्होंने महारत हासिल की है. और फुटबॉल में 11 मिलियन में महाराष्ट्र से नंबर 1 करके अपने दिल्ली में उनका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनका सम्मान हुआ है, जिसका सम्मान देश के पंतप्रधान जी करते हैं. उसका वो सम्मान के बाद में उस खिलाड़ी की जो लड़की है उस लड़की की अवस्था आज आप लोगों ने देखा है. उसके बाद में यहाँ पर ना कोई वहाँ का नेता ना कोई कार्यकर्ता या कोई भी इंसान उसे मिलने नहीं आया. मैंने सबसे पहले उनको आके मिला, उनसे जानकारी दी, उनसे बातचीत की. तो जो बातचीत के दौर पर मुझे ऐसा लगा कि उसे आज सम्मान के नहीं तो सहारे की ज़रूरत है. तो सबसे पहले उनको जो ज़रूरत की थी, मैंने मेरा एक आज मुंबई कांग्रेस के तरफ से पूरे देश भर में हमारी स्वर्गीय पहली महिला पंतप्रधान माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिराजी गांधी इनकी 26वीं जन्म शताब्दी जयंती उत्सव मना रहे हैं. उस अवसर पर मैं एक प्रोग्राम लिया था, लेकिन जैसे मुझे ये बातचीत मालूम पड़ी मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया. उस प्रोग्राम में होने वाला जो खर्च है वो खर्च उठाकर मैं इस लड़की के घर के लिए जो घर सामग्री के लिए जो सामग्री लगती है, घर का जो राशनिंग हो गया, बेड हो गया, तुम्हारा स्टोव हो गया, बेडशीट हो गई, फुटबॉल हो गया, जो जो उसको ज़रूरत थी वो सब चीज़ें मैंने उनको खरीद के दी और NGO की तरफ से 25,000 का चेक भी उनको दिलवाया. मेरीमध्ये जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर यशाचे शिखर गाठण्याची क्षमता आहे. तिच्या या क्षमतेला हेरून स्थानिक आमदार तामिल सेल्वन यांनीही तिच्याकरिता मदतीचा हात पुढे केलाय. ये भी गरीब अमीर ऐसा नाही, इनको जो है कितना तकलीफ का जगह में भी फुटबॉल खेल की महाराष्ट्र का अंदर नंबर 1 अंडर 19 में आया. सम्मानीय पंतप्रधान साहब का पुरस्कार इनको मिला. तो ये बच्चे का वो नायडू का जो है तो इतना बड़ा पंतप्रधान साहब तक का आशीर्वाद मिला कि बाहर मीडिया का तरफ है आपका तरफ से आया नहीं तो वो भी मालूम नहीं पड़ता था. उनका पिताजी को आपका सामने पूछा, पिताजी बोला मैं किधर बाहर बोला ही नहीं, बोलना चाहिए. इनका खेलने का व्यवस्था, इनके साथ कोई टीम रहेगा, 4-5 लोग भी रहेगा डॉन बॉस्को नहीं तो अगल बगल में किधर भी अच्छा ग्राउंड में खेलने का व्यवस्था मैं करके देंगे. उसके बाद इनका माड़ा का तरफ से सम्मानीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विनोद जी,
सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब स्पोर्ट्समैन का बहुत बहुत साथ देने वाला व्यक्ति है, उनको भी बोलेंगे, इनको कर देने का व्यवस्था जल्दी जल्दी करेंगे। इनका बोलने का पहले मैं सुना तो मैं किधर भी गेलेगा तो मेरा घर का याद आ रहा है, कर कभी भी म्यूनसिपाल्टी लेके जाएगा तो मैं क्या करूँ। अच्छा स्पोर्ट्समैन का कोई भी थिंकिंग ओनली स्पोर्ट्स में होना चाहिए। इनका असली तकलीफ इन्होंने बोला है वो तकलीफ से दूर करेगा और भी अच्छा खेलेगा, इंडिया में नंबर वन प्लेयर बनेगा। साइन कोलीवाड़ा का उनका माँ बाप का इज्जत ये बराबर रेकी खेलेगा ऐसा उम्मीद है। पंतप्रधानांच्या हस्ते सत्कार होऊन सुद्धा आज राष्ट्रीय स्तरावरील ही खेळाडू हालाकीचे जीवन जगते, मात्र तिच्या मदतीसाठी कित्येक हात पुढे सरसावतायत आणि यामुळेच कदाचित तिचे देशाकरिता खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल हे निश्चित। कॅमेरामन सुचिता सह प्रिया भुजबळ जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।